तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार्य स्वामिनी मोक्ष श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माताजी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माताजी को नमन करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी हम सभी के हृदय में अपना प्यार भर दीजिए। श्री माता जी हमारे इस हृदय में अपना पूरा प्यार भर दीजिए। हृदय में श्री माता जी को देखेंगे माँ की छवि को निहारते हुए अपने चित्त को सेंटर हृदय पर ही स्थिर करेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सबको क्षमा कर दीजिए। हम सभी अज्ञानी हैं। श्री माता जी हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए। हे परमेश्वरी आप ही श्री जगदम्बा भी हैं। कृपा करके हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए। श्री माता जी हमारे इस हृदय को और पावन कीजिए ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे अपने चित्त में
अपनी आँखों में दोनों हथेली पर माँ के प्रेम को अनुभव करेंगे। दोनों हथेली की एक एक अंगुलियों पर चित रखेंगे। अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर मूलाधार श्री माता जी हमें श्री गणेश जी के जैसा ही निर्भयी बनाइए। सेंटर मूलाधार से सेंटर स्वाधिष्ठान सेंटर नाभि पूरा भाव सागर हृदय बीचों बीच हृदय सेंटर विशुद्धि फ्रंट आज्ञा सिर का तालु भाग शिव माता जी कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। फिर से अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर मूलाधार सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए अपने चित्त को सिर के तालु भाग पर शिव माता जी कृपा करके हमें पूर्ण संतुलन दीजिए। माँ के श्री चरण कमलों को सिर के तालु भाग पर देखेंगे। सिर के तालु भाग पर माँ के श्री चरणों की परिक्रमा करेंगे 7 times क्लॉकवाइज। शिव माता जी कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। कि महाशिवरात्रि के दिन हम लोग सब साथ शिव की स्तुति गा रहे हैं। शिव यानी सदाशिव, इन्हीं से सृष्टि शुरू हुई है और इन्हीं में खत्म होती है। सबसे पहले अगर आप ब्रह्म को समझे तो ब्रह्म से शक्ति और शिव जैसे कि एक सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस होता है, उसी की तरह शिव और शक्ति सबसे पहले ब्रह्म में स्थापित होते हैं। सृष्टि कैसी हुई, किस प्रकार ये घटना घटित हुई, इस प्रकार ब्रह्म शिव और शक्ति के रूप में प्रकट हुए, ये सारी बातें मैं आपको शनिवार और रविवार में बताऊंगी। लेकिन शिव से निकलती हुई शक्ति जब एक पाराबोली में घूमती है, जब एक प्रदक्षिणा लेती है तो एक एक विश्व तैयार होते हैं। ऐसी अनेक प्रदक्षिणाएं शक्ति की होती रही, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अनेक विश्व तैयार होते रहे, अनेक भुवन तैयार होते रहे और मिटते भी रहे।
से शक्ति हट करके विश्व बनाती है। शिव सिर्फ साक्षी स्वरूप रहते हैं, वे खेल देखते रहते हैं शक्ति का। शक्ति का अगर खेल उनकी समझ में ना आए तो वो जब चाहें तब अपनी शक्ति अपने अंदर खींच ले सकते हैं, सारा ही खेल बंद हो जाता है। वे ही दृष्टा है, वही देखने वाले हैं, वही इस खेल के आनंद को उठाने वाले, उन्हीं के कारण सारा खेल है। इसलिए अगर वो न रहे तो सारा खेल खत्म हो जाता है। वो स्थिति है, उन्हीं के कारण एग्जिस्टेंस होता है। मनुष्य के हृदय के कारण ही वो जीवित माना जाता है। जिस वक्त उसका हृदय बंद हो जाता है तो उसे मृत माना जाता है। जब शिव अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो उसे संहारक कहा जाता है। वही स्थित होते हैं और वही लय हो जाते हैं। क्योंकि वो स्थित हो सकते हैं वो लय भी हो सकते हैं। इस कुंडलिनी शास्त्र में शिव का स्थान आपसे मैंने बताया था, हृदय में मनुष्य के अंदर एक दीप ज्योति की तरह हर समय जलते रहते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर सत असत विवेक बुद्धि जागृत रहती है, जो हमें मना करती रहती है कि ये नहीं करो, ये गलत है, ये अधर्म है, ये बुरी बात है। ये कपट है, ये लोभ है, ये मद है, ये मत्सर है, ये अधर्म है, ये मनुष्य की प्रतिष्ठा से गिरा हुआ काम है, ये शोभनीय नहीं है। लेकिन मनुष्य में जो स्वतंत्रता है उसे वो बुरी तरह से उपयोग में लाता है और शिव की अवहेलना करता है। शिव सारे संसार का गरल पी लेते हैं, जितना भी विष हमारे हृदय में बसा रहता है, दूसरों के प्रति घृणा हिंसा आदि अत्यंत बुरे विचारों से जो हमारा हृदय विषैल हो जाता है, उसको शिव हमारे अंदर जब जागृत होते हैं तो उसे पी लेते हैं। शिव का खाद्य ही, उनका पीना ही गरल है। जो कुछ भी नशीली चीजें हैं, मद्य आदि, जो चेतना के विरोध में नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें शिव प्राशन कर लेते हैं। संसार का जितना भी इस प्रकार का विष है उसे वो ग्रहण कर लेते हैं अपने अंदर। इसीलिए उनको महाशिवरात्रि के दिन हम लोग प्रतीक रूप में भंग आदि नशीली चीजें अर्पित करते हैं। इसका अर्थ मनुष्य ये लगा लेता है कि गर्शिव भंग पीते हैं तो हम भी पीते, गर्शिव शराब पीते हैं तो हम भी शराब पियेंगे। आप क्या शिव जी हैं? उनके पांव के धूल के बराबर भी आप हैं। जिन्होंने संसार का सारा गरल पी लिया उसके भी पीने वाले कोई चाहिए। देवी सारे भूतों को खा जाती है, रक्त बीज का जो रक्त संसार में गिरता था उसके एक एक बूंद को देवी चाट गई। क्या आप लोग इसे चाट सकते हैं? आप लोगों का क्या उनसे मुकाबला है?
जो आप शिव जैसे भंग पीने निकले। शिव चाहे दुनिया भर की भंग पी ले, उन पे चढ़ती नहीं। आप लोगों का ये हाल है। शिव एक दैवी संपदा, अवतरण है। अवतरण हम समझते नहीं चीज क्या होती, उसका लोहा ही दूसरा होता है, उसकी व्यवस्था दूसरी होती है। क्या आप उस तरह से बने हुए हैं? क्या आप उस कार्य के लिए बने हुए हैं कि दुनिया भर का आप जहर पी लें? बहुत से लोग ये कहते हैं कि मां हमारे कुछ शराब चढ़ती नहीं। इससे बढ़कर और कोई भी झूठ नहीं हो सकता। कुछ बड़े बड़े गुरु भी, जैसे कि साईनाथ शिरडी के, वो भी एक अवतरण थे, वे चिलम पीते थे। तो आप सब लोग चिलम पीने लग गए कि आप साईनाथ हैं। वे तो इसलिए पीते थे कि आपके हाथ कोई चिलम ही ना लगे, सबकी चिलम ही पी डाले एकदम, सबकी चिलमें पचाने के लिए वो पीते थे। क्या आप लोगों में ये शक्ति है कि आप चिलम पी सकते हैं? उनको कैंसर नहीं हो सकता था। शिव के भक्त जो है उन्हें शराब छूना भी नहीं चाहिए, उसके पास भी नहीं जाना चाहिए, उससे दूर भागना चाहिए। बजाय इसके जितने भी तांत्रिक हैं, वो पांच मकान लेके बैठे हुए हैं। वो क्या करते हैं? अपने को शक्त कहलाते हैं, शक्ति के पुजारी कहलाते हैं, शिव के पुजारी कहलाते हैं, और इस कदर व्यभिचार। शिव और व्यभिचार जो संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, उसका नाम लेकर इतना महापाप करना, अपनी दुर्गति की पूर्ण व्यवस्था कर लेना। एक मां के नाते मैं आपसे बताती हूं कि इस तरह की गलत फहमी में कभी मत रहना। तंत्र का तरीका जो है बिल्कुल शैतानी तरीका है। आज महाशिवरात्रि के रोज मैं चाहती हूं कि आप उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताऊंगा। तंत्र की व्यवस्था यह होती है कि जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो चीज देवी को पसंद नहीं है, वही कर। देवी के सामने ही गलत गलत काम करना शुरू करो। व्यभिचार, सब तरह की विद्रूप बातें, जिसे देवी देख करके घृणा से वहां से हट जाए। शुरू में तो देवी उनसे उत्पात करती है, कूदते हैं, नाचते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गर्मियां होती हैं, फोड़ी निकलती है बदन पे। इसको कुंडलिनी जागृति भी बहुत से लोग कहते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए ट्रीटमेंट के लिए, जो कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसे लग रहा है जैसे हजारों बरैया काट रहे हैं, हमारी कुंडलिनी जागृत। और भी ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक सब हमारे अंदर बड़े बड़े फफूंदे आ गए। यहां उषा इंस्टीट्यूट में एक डॉक्टर साहब है, उनका नाम मैं भूल गई, डॉक्टर पाल। वो मेरे पास आए थे, बता रहे थे कि उनकी कुंडलिनी किसी ने जागृत की और उनके बदन में हजारों बिच्छू को काट लिया, और बेचारे कूदते हुए खड़े रहे, माँ मेरे पास, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मैं उनकी कुंडलिनी उतारे थे, मैंने कहा आती बेटे जरा सबको देखो। एक मिनट के अंदर उनकी कुंडलिनी मैंने शांत कर दी। कुंडलिनी नहीं, श्री गणेश जो कि शिव जी के पुत्र है, जो शक्ति के पुत्र है, उनका गुस्सा था। मैंने जब उनसे पूछा तो मैं समझ, जिस इंसान ने उनकी कुंडलिनी जागृत की थी उसका वो नाम उन्होंने मुझे बताया, वो किसी को बताते भी नहीं है डर के मारे,
घबराहट के मारे। कुंडलिनी के नाम से वो घबराते हैं बेचारे। ये उनकी हालत कर दी और उनसे कहा कि तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो गई, सारे बदन में ऐसा समझ लीजिए कि जैसे सब हाथ पैर जल गए, प्लिस्टर सारे पर। एक मिनट के अंदर कुंडलिनी शांत हो गई। सो कैसे? सिर्फ गणेश, श्री गणेश, क्योंकि वे मुझे जानते हैं। ऐसे तांत्रिकों से बहुत बच के रहने की जरूरत है, देवियों के सामने जाकर के खजुराहो में आप जाके देखिए इन तांत्रिकों ने क्या उत्पात कर रखा है। छठी सदी में शंकराचार्य के बाद में तो इन्होंने एक नया जग खड़ा कर, जैसी देवी की बात उन्होंने कही उन्होंने सोचा कि हाँ अब मां का राज्य आने वाला है, चलो इसके पीछे लग जाओ। उस वक्त के राजा लोग बहुत ही गिरे हुए, बहुत ही बुरे नजर से देवी की ओर देखते थे। इतने दुष्ट लोग उस वक्त राज्य करते थे, पूरा पट्टा की पट्टा यहां से बंगाल तक, और उनके जो मंत्री लोग थे वो यही थे जैन। जैन लोगों में खाने के मामले में तो पट्टे बांध के घूमते हैं मुंह पर, औरत के मामले में कोई झगड़ा नहीं, मुंह पर पट्टे बांध के घूमने से सोचते हैं हो गया, कृष्ण को नाम धरते हैं वो संवारक था, राम को नाम धरते हैं वो संहारक था। हालांकि महावीर बहुत ऊंची चीज है, जैसे हमने सबका ही ठिकाना किया है ऐसे जैनियों ने महावीर का भी ठिकाना कर दिया, ये तो सभी के एक एक ढंग होते हैं। उन्होंने ये प्रथा चलाई कि छोटे छोटे लड़के लड़कियों को भी वो आश्रमों में भेजते जैसे कि पोप करते हैं। उस वजह से इस कदर अनैतिकता बढ़ गई, जबरदस्ती की बात, यहां तक कि ब्राह्मणों ने भी ये बात उठाई कि विवाह के पश्चात भी मनुष्य को बिल्कुल संयमित रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, बिल्कुल अननेचुरल सी बातें। उसके जो दबाव से खजुराहो जैसी गंदी चीजें तैयार हो, हालांकि खजुराहो में मैं जरूर कहूंगी कि कलाकारों ने भी कमाल कर, जहां जहां उन्होंने मूर्तियां बनाई वहां देवी देवताओं की मूर्तियां काफी बड़ी बड़ी बनाई, मोटी मोटी, क्योंकि होते ही देवी देवता मोटे ही होते हैं, क्योंकि उनको पानी की बहुत जरूरत है, इतने चक्र चलते रहते हैं तो पानी तो ऊपर से चाहिए ही, नहीं तो चलेगा कहीं। और बाकी ये छोटी छोटी लंबी लंबी पतली पतली कहीं कहीं उन्होंने लगा दी राजा को खुश करने के लिए। लेकिन वो कोणारक का जो वो था तांत्रिक था वो उसका क्या कहे। अब वहीं पर आप देखिए पास ही में ऐसे भी मंदिर हैं जहां पर ये वाम मार्गी जाकर के और देवी को असंतोष में डालते, मदिरा पीते, शराब पीते हैं और व्यभिचार करते, और जब वहां से देवी का चित्त हट जाता है, यहां तक हमारा फोटोग्राफ से आप बताते हैं आपसे, अभी तो आपको वाइब्रेशन आएंगे अगर आप देखें तो, लेकिन अगर इसके सामने व्यभिचार होना शुरू होगा तो इसमें से फोटोग्राफ में से हम गाय आपको कोई वाइब्रेशन नहीं आने वाला। चित्त हट जाता वहां, चित्त ही हट गया, क्योंकि व्यभिचार और गंदगी के पास देवी क्यों रहने चली। वैसी जगह शिव जी बैठते हैं काफी देर तक और तड़ाके भी बहुत देते हैं वहां पर, भैरवनाथ भी वहां जमे रहते, उनके तड़ाके के बगैर लोग ठीक नहीं होते, पहले खूब तड़ाके खाते, बड़ी हालत खराब होती है उनकी, पर तो भी बेशरम जैसे लगे ही रहते, वही से तपस्या करते बीमार पड़ते हैं, आफतें होती हैं, उल्टियां होती हैं, खून गिरता है, सब होता है, बदन में आग हो जाती, पर तो भी जमे रहते। फिर शिवजी भी वहां से लुप्त हो जाते, फिर अपना मार्ग अड्डा जमाया, चरस भांग घोल करके
और गजड़ियों की वहां महफिल बैठती है, रात में व्यभिचार होते हैं और उसके बाद सब स्पिरिट्स बुलाए जाते हैं और उन स्पिरिट्स को हाथ में लेकर के फिर उसी से सब ये जो धंधे जो मैंने कल आपको बताए थे वो किए जाते। शिवजी के भोलेपन की ये हद है, इतना इनोसेंस का वो पुतले हैं कि जब रावण ने उनसे कहा कि अब तुम मुझे अपनी शक्ति ही दे दो तो उन्होंने उसको भी दे दिया। इतना भोलापन, निष्पाप, जिनको कि पाप ही क्या है नहीं मालूम, पाप को भी खा जाए सबके, सब चीज खा जाए, लाओ जो कुछ खाना है खा जाए। जैसे गंगा में सारे पाप डूबते हैं कहते हैं, सो आप समझ सकते हैं कि गंगा में इसलिए पाप डूबते हैं कि शिवजी के जटा से उतर आई, इसी जिनके जटा को छूने से ही इतने पाप धुलते हैं, जो स्वयं साक्षात जो होंगे सो क्या होंगे सो बता दी, जिनका साक्षात करने से ही सारे जिसके पाप धुल जाते हैं, जिनको याद करने से ही सबके जो इतने भी भव सागर के जितने भी लगे हुए पशु पक्षी के तरह से चिपके हुए जो कुछ भी गंध मैल आदि जीवित और निर्जीव जो कुछ भी हो, सारी बाधाएं जिसकी खत्म हो जाती है, ऐसे शिव जी के लिए लोग ये कहते हैं कि व्यभिचार से शिव जी खुश होते। ऐसे संसार में क्या बात की जाए। ये तांत्रिक शिव जी के दुश्मन नर्क में मरेंगे कीड़े के मौत से, हजारों वर्षों तक ये नर्क में रहे इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन जो लोग इनकी बातों में फंसते हैं और इनके चक्करों में घूमते हैं, भूत प्रेतादि को इस्तेमाल करते हैं, दूसरों का नाश करते हैं, वे भी उनके पीछे ही जाने वाले हैं। शिव जी के इस महापर्व के दिन सहयोगी जितने भी हैं उनको निश्चय कर लेना चाहिए कि हमारा हृदय अत्यंत स्वच्छ हो, उसमें सारल्य सज्जनता, हम अपने को देखें और शर्माएं कि क्या हम इतने दुर्जन हैं जो इस तरह की बातें हम सोचते हैं। अपने हृदय को देखें और पूछें कि क्या हम इतने कपटी और गिरे हुए लोग हैं कि हम इस तरह की बातें सोचते हैं। शिव जी को जागृत रखने के लिए मनुष्य को अत्यंत सरल हृदय होना चाहिए। शिव जी भोले थे, ऐसे आदमी बड़े भोले होते हैं और लोग कहते हैं कि ऐसे लोग ठगे जाते हैं। सारी दुनिया ने भी ठग लिया तो कुछ नहीं दिया, आपके ठगने पे सभी चला जाता है, आप किसी को मत ठगिए। इसमें कोई बड़ी भारी बहादुरी नहीं है कि आप बेवकूफी करें। आपने अगर किसी को एक मर्तबा ठगा उसकी माफी नहीं हो सकती, आपको कोई हजार बार ठग ले आपका कुछ नहीं। जो आदमी भोला होता है उसको कोई ठग ही नहीं सकता, ये तो मन के भाव है, इसने इसको ठग लिया, उसने उसको ठग लिया। आप ठग करके क्या इकट्ठा करते, धन, ठगा हुआ धन, दूसरे को ठगा हुआ धन, कितना नुकसानदेह होता आपको पता नहीं। अभी राहुली में एक सज्जन मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि हमारे पुरखों का कुछ पैसा जमीन में गड़ा हुआ है मां, और हमें मालूम है वो गड़ा हुआ। तीन पुश्त पहले किसी ने वो निकालने की कोशिश की, उसी दिन उस घर में तीन मृत्यु हो गई। उसके बाद दूसरे पुश्त ने शुरू किया, उस वक्त भी फिर तीन मृत्यु हो गई, फिर चौथी मर्तबा ऐसा हो गया। अब हम हैं, अब हम क्या करें,
मैंने कहा भूल जाओ धर्म, बिल्कुल भूल जाओ, उसको खत्म होने दो, उसको छूने की जरूरत नहीं। किसी को मार के, किसी के बाल बच्चे भूखे रख के, किसी की आत्मा को तड़पा के आप ये पैसा लेकर के आए हैं। उनकी आत्माएं जो तड़पती हैं वो बहुत बड़ी प्रचंड शक्ति है, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों तक खा जाएगी। ये शिव जी के काम है, ये शिव जी के काम है। शिव जी भोले बहुत हैं, लेकिन उनका गुस्सा आप जानते थे, उनका गुस्सा भयंकर, और उनके गले में जो नाग रहता है वो सब समझता है। जो कोई भी इस तरह से किसी की आत्मा को दुखी करेगा, क्योंकि आत्मा में शिव जी का स्थान, उस आदमी का पुष्टन पुष्ट हाल यह है। मैं झूठ नहीं बोल रही, आप कह रहे हो माता जी ऐसे ही बातें कर। अभी हैदराबाद में एक सज्जन के घर, वो मुझे कहना चल गया, बहुत रईस आदमी है, बहुत ये बहुत वो। मैं कहा भाई रईस फईस वगैरह चूल्हे में मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने गरीब हूं, मैं गरीबी में ठीक हूं। बहुत पीछे पड़े, चलिए माता जी, उन्होंने बड़ा बुलाया बड़ा बुलाया। मैंने कहा अच्छा भाई रास्ते में पड़ेगा तो चले। जैसे मैंने उनके घर में कदम रखा तो एक पैर पीछे, कहले क्या बात। मैंने कहा इस घर पे शाप है बहुत बड़ा। कहले आपको कैसे मालूम। मैंने कहा है या नहीं, सच सच बोलो, तो मैं अंदर नहीं आने वाली, सच बोलो। कहले हाँ है। उस घर के दो जवान बच्चे हमेशा ऐसे ही कुर्सी पे बैठे हुए हैं, दोनों पैर हाथ, खाते भी ऐसे सोते भी ऐसे। मेरे से कहने लगे कि माता जी इनको ठीक करिए। मैंने कहा बेटे मुझे क्षमा करो, मैं जा रही हूं, वैसे ही मैं बाहर निकल आई। मैंने कहा अभी तुम वही काम कर रहे हो जो तुम्हारे पुरखों ने किया है। कहले हमारे खानदान में हमेशा दो बच्चे ऐसे ही होते आए, तो भी आपकी नहीं बात छूटी। और इस पुष्ट में तो यही दो बच्चे हैं, तीसरा है ही नहीं, तो इस खानदान का क्या होगा। मैंने कहा आप खानदान ले बैठो, पैसा लेके बैठो और उसको चाटो आप और खाओ, और इनके चिपकाओ चारों तरफ, और उतना भी नहीं होगा तो प्रोसेशन निकालो। किसी की आत्मा को दुख देना, विशेषकर किसी गरीब को दुख देना, उसकी आत्मा से आह लेना, आपको पता होना चाहिए शिव जी का राज सब दूर चल रहा है। आपको दिखने में लगता है कि आपने कुड़की ले आए, उसके घर का सारा सामान लूट के आप चले आए। घर में बहू आई है, उसको सता रही है सास, उसको बड़ा मजा आ रहा है सता रहे, उसको छल रही है, मेरे को इतना मेरे सास ने छला तो मैं भी इसको छलू। उसकी आहे मत लो, किसी गरीब की आह मत लो, किसी के हृदय की आह मत लो, कभी भी मत लेना। शिव जी वहां बसते हैं जान लो, और जितना आदमी भोला होगा उतना ही वहां शिव जी का राज्य ज्यादा होगा। किसी भोले आदमी का कभी फायदा मत उठाना, भोले आदमी के सामने हमेशा नतमस्तक रहो, क्योंकि शिव जी वहां जाग रहे हैं, तभी वो भोला आदमी तभी भोलाता है जब उसके अंदर शिव जी जाग। भोले आदमी को लोग बहुत सताते हैं, उसको छलते हैं। जिनको खासकर पैसे का बहुत समझ में आता है, एक एक दो दो पैसा जो जोड़ते बैठते हैं, वो भोले आदमी को उल्लू बनाते फिरते हैं। पैसा तो कभी मिल भी जाएगा, लेकिन शिव जी के श्राप से आप विमुक्त नहीं हो सकते। आप कहेंगे कि मां तुम यही हमें डरा रही हो। मैं बिल्कुल नहीं डरा रही हूं, सजग कर रही हूं, सजग हो जा। शिव जी के कार्य जो है बहुत गहन और बड़े ही दिनों तक चलने वाले, क्योंकि अंत तक शिव जी ही है। सब लय जब होगा तब भी शिव जी है, और जब उत्पत्ति होगी तब भी शिव जी, और बीच में बाद में मैं आपको जब बताऊंगी तो सब बता दूंगी विष्णु जी कब आते हैं और कब। आज महाशिवरात्रि के दिन सब
सबको यही निश्चय करना है कि हम किसी भी प्रकार किसी की भी आह नहीं लेंगे, किसी के साथ हम ज्यादती नहीं करेंगे, किसी भी चीज की। कोई गरीब है, कोई मजबूर है, कोई हमारे नीचे है, कोई हमारा आश्रित है, जो भी ऐसा है वहां शिव जी का राज्य है, उनसे सज्जनता। नौकर है घर के, उसको खाने के लिए नहीं देंगे, उसको भूखों मारेंगे, उसका पैसा मार लेंगे, दो दो पैसे लोग अपने नौकरों को मारते हैं, समझते नहीं उसके अंदर शिव जी बसे हुए हैं। और शिव जी का कोप आप पे आएगा, मैं आपसे सच सच बता रही हूं, इसमें से एक अक्षर एक बूंद भी झूठा नहीं है। आप चाहे तो वाइब्रेशन से देख लें कितने सहयोगी हैं कि कितने जोर से वाइब्रेशन से करता है। अगर मैं एक भी अक्षर झूठ बोल रही हूं तो आपके वाइब्रेशन से झूठा। किसी के साथ जाति करना शिव जी के सामने गुनाहगार होना है। सज्जनता, सौजन्य, नम्रता, झुकना, ठगा जाना भी ठीक है। शिव जी के यहां लिख दिया नाम, ठगे गए थे बेटे, कोई बात नहीं मैं देख लू। अरे उनके पास भैरवनाथ खड़े हुए हैं, एक सोटा लगाएंगे उनको तो ठीक हो जाओगे तुम लोग साहब। अभी भैरवनाथ के चक्कर को आप लोग समझे नहीं, वो तो एक पैसा नहीं मारते, चारों तरफ चलता है उनका सोटा, और वो इस तरह से मारते हैं कि पुष्टन पुष्ट चलता रहेगा, पुष्टन पुष्ट। उनसे हनुमान जी जरा हलते हैं मामले में, थोड़ा बहुत ठीक है, पर भैरवनाथ जी के बीच में न जाना। इसलिए अपने से जो नीचे है, अपने से जो दलित है, अपने से जो आश्रित है, अपने ऊपर जो निर्भर है, उन सब पे रहम, उनसे अत्यंत प्रेम, कंपैशन। शिव जी को देखिए बैठे कहां है, स्मशान में, यहां कोई भी नहीं बैठता, राख में बैठे। इनसे बढ़ के कम्युनिस्ट आपको शादी में आए तो राख फांस गया है गले में, वो सांप आप लेकर के नंदी पे सवारी, बताइए बैल पे कोई बैठता, भभूत लगा करके अजीब सी शक्ल बना के, बाल बाल सब दूर से जटा जूठ, कपड़े भी खास नहीं पहने हुए, एक शेर का वो व्याघ्र चर्म पहन लिया, और उनके साथ एक से एक भूत चले आ रहे हैं, उनकी जो औरतें चली आ रही, उनके किसी के एक आंख है, किसी के दो नाक है, किसी के चार सींग है, जितने भी विद्रोह विक्षिप्त तड़ित लोग हैं, जिनको कि हम नीची निगाह से देखते हैं, किसी के शारीरिक दोष होता है उसके ऊपर हंसी करते हैं, मजाक करते हैं, कोई अगर बहरा है उसका मजाक हो रहा है। परमात्मा का शुक्र करो जो तुम्हारे दोनों कान ठीक है, परमात्मा का शुक्र करो जो तुम्हारी दोनों आंखें ठीक है, कभी अंधे के हाथ तुमने पकड़े नहीं, उसको उल्टा धक्के देने में मजा लेते हो, ऐसे शिवजी भगवान को देखो कि उनकी बारात आ रही है, और पार्वती जी के घर के तो सब लोग बड़े बड़े हैं, विष्णु जी उनके भाई खड़े हुए हैं साथ में, सब बड़े सोफेस्टिकेटेड लोग हैं एक साइड में, और एक साइड में ये बारात चली आ रही शिव जी की, पर किसी की हिम्मत नहीं कि शिव जी को या उनके लोगों पर आए। दुनिया भर के जितने विद्रोह और कद्रू लोग हैं सबको लिए चले आ रहे हैं बड़े शान से,
नीची निगाह से नहीं। हम लोग तो अगर हमारा बाप गरीब होएगा तो उसको दफ्तर में आने को बनेगा मेरे बताना भैया, उसको कपड़े भी नहीं देंगे। अपने बाप से तक हम शर्माते हैं, इतने हम गरीब हैं। सबको बड़ी शान से लिए चले आ रहे हैं कि वाह भाई वाह, कोई बिचारे रंग ढुड़ंग बिचारे कपड़े नहीं कुछ नहीं जैसे भी हैं चले आ रहे हैं शिव जी के साथ। अब पार्वती जी देख के घबरा रही, मेरा दूल्हा भी आया मेरे घर तो मेरी नाक कटा रहे हैं, कोई दो चार अच्छे तो ले आते कम से कम सामने में, लेकिन अब बोले तो बोले क्या, भैरवनाथ जी सामने चले आ रहे हैं। तो चेन की शादी भी क्या, लेकिन पार्वती जी के मन तो वही भाए हुए हैं, उनको तो कोई और पसंद नहीं। जैसे भी हैं ससुराल के लोग, जैसे भी हैं, चाहे उनके यहां औरतों की एक ही आंख हो, लेकिन तो भी पति के घर के लोग आए, उनका मान उनका पान, उनको नीचे निगाह से देखना, क्योंकि मैं बड़े विष्णु जी के घर, मेरे भाई खड़े हुए हैं विष्णु जी जैसे, कुबेर जिनके घर में पानी भरते हैं, और मैं हिमालय की बेटी हूं। ऐसे ही पार्वती जी का विचार करके हमें यह सोचना चाहिए कि संसार में जिस शिव जी को हम मानते हैं, जिनके ऊपर सारा संसार निर्भर है, जो एक क्षण में ही हम सबको खत्म कर सकते हैं, जब संहार होगा तो 11 रुद्र के रूप से वे निकल करके सबको संहार कर, और जो भी संयत भाव से ये सारा खेल देख रहे हैं, जिनके लिए संसार की सारी कुछ सृष्टि आदि कुछ भी नहीं, और जो साक्षी मात्र सब मजाक देख रहे हैं दुनिया का, और जो हरेक भोले इंसान के हृदय में जागृत है, जिनका स्थान ही ऐसे जगह है जहां कोई भी नहीं जा सकता, बीहड़ से बीहड़, फूहड़ से फूहड़, गरीबी जिसको कहते हैं उसमें है, उनका कोई श्रृंगार नहीं, उनका कोई भी बाहरी वैभव नहीं है, किंतु उनके सिवा किसी के पास कुछ भी नहीं शोभा देता, ऐसे शिव जी को जो इंसान मानता है वही इंसान है, क्योंकि वो इंसानियत को मानता है। इसलिए नहीं कि फलाना एक बड़ा भारी अफसर है, क्योंकि फलाने के पास इतना रुपया पैसा है, क्योंकि फलाने के पास इतनी विद्या है, दूसरे के पास में ये है, पर इसलिए कि एक बड़ा मानव है, वो चाहे गरीब है चाहे अमीर है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन एक बड़ा मानव है, और बड़ा मानव वही होता है जो साक्षात शिव जी के चरणों में। आज का दिन ऐसा नहीं है कि आपको मैं दुखी भी करूं, क्योंकि आज का दिन है बहुत दुख का, लेकिन एक बात मैं जरूर बताऊंगी कि महाशिवरात्रि के दिन उपवास करने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल उल्टी बात है। जिसने भी ये बात कही है, पता नहीं इसका क्या शास्त्राधार है, मैं पूछती हूँ, मुझे बताए कोई भी पंडित कि कौन सा शास्त्र में लिखा हुआ है, शिव जी के विवाह के रोज आप लोग क्या उपवास करेंगे, क्यों साहब? इसका कोई शास्त्राधार मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। शास्त्र भी काफी गड़बड़ चड़बड़ कर दिए, लेकिन तो भी मैं जानना चाहती हूँ इसका क्या शास्त्राधार है कि गलत जगह पे आज तो खुशियां मनाओ मौज मनाओ, आज खुशियां मनाने का दिन है। कितने लोग उपवास करके आए, हाथ ऊपर करें, जिन्होंने जिन्होंने उपवास किया है, आप लोग पार नहीं हो सकते आज, कोशिश कर लें, और आप जो पार हैं आप भी बच जाएंगे, नहीं आने वाले वाइब्रेशन देख लो, कोशिश कर, कोशिश करके देख लो, आ रहे वाइब्रेशन, कुछ नहीं आ रहे, हल्के हो गए, झूठ नहीं बोलो तुम, तुमने तो नहीं किया उपवास आज, इसीलिए तो आज मैं खुश हूँ तुमसे, तुमने नहीं किया,
अच्छी बात है, राजा बेचे हो तो आज के दिन उपास नहीं करने का, आज खूब खाओ पियो, घर जाके लड्डू खाना, खा पी के फलाहार क्यों करना, आज तो खूब खाना है। उनका खाना है बादाम पिस्ता, खाओ खूब, खाते हैं चना, चना खाओ, देवी जी चना खाती है, आप लोग भी चना खाओ, फल फूल कौन खाता है, उल्टी उल्टी बातें सब करते हैं। आपको शारीरिक शास्त्र से देखना चाहिए कि शिवजी अगर स्थिति है हमारे, एग्जिस्टेंस है, तो एग्जिस्टेंस के लिए क्या चीज जरूरी है, क्या चीज खानी चाहिए बताइए, आप लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बगैर हमारे अंदर शक्ति नहीं आ सकती। आज के दिन सबको कार्बोहाइड्रेट्स खाना चाहिए हर तरह के, या प्रोटीन्स खाना चाहिए, जितने भी आप प्रोटीन्स खाएं अच्छे हैं, अधिक से अधिक आप प्रोटीन्स खाएं, चने में प्रोटीन्स है, चना सिर्फ प्रोटीन है, अगर आप चना खाएं तो आपने प्रोटीन खा ली। आज हर तरह के आपको प्रोटीन खाना चाहिए, जो भी प्रोटीन हो वो आज शिवजी के लिए खाना चाहिए, हृदय के लिए कितनी अच्छी चीज है प्रोटीन, अगर आप कृषि प्रकृति के हैं तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी खाना चाहिए, पर सबसे बड़ी चीज है प्रोटीन खाना चाहिए, और आज के दिन आप फल फूल खाएंगे जो कि नहीं खाना चाहिए, इसका कोई कहीं शास्त्र आधार तो मुझे समझ में नहीं आता, पर रूढ़ी चल गई तो चले सब, अभी जिसने चलाई वो ये तांत्रिक ही होंगे, कोई और तो कोई नहीं हो सकता, मुझे तो और कोई समझ में नहीं आता कि कोई भी जानबूझ करके ऐसा काम करे। एक सीधा हिसाब सोचना चाहिए कि जिस दिन किसी का जन्म हो या विवाह हो उस दिन भूखे नहीं रहते लोग, उस दिन मौत करते हैं खुश होते, कोई मरता है उस दिन भूखे रहना चाहिए। हम लोगों के यहाँ हिसाब ऐसा है जिस दिन कोई मरे या नर्क के दरवाजे खुले उस दिन उपवास नहीं करना, उस दिन सवेरे उठ के खाना, तो आज सब लोग खुश खुश खाएं पिए, हाँ नर्क चतुर्दशी के दिन उपवास करना चाहिए, तो उस दिन सवेरे नहा धो करके 4 बजे उठ करके पहले फराल करें, देखिए कितना उल्टा है। अब मैं ये बात कहूं तो आप मुझे कबीर जैसे तो कह नहीं सकते, लेकिन हाँ आप कहेंगे कि माता जी तो सब उल्टी बातें बता, लेकिन जो बातें सीधी हैं उसे सीधी मानो और जो बातें उल्टी